उज्जैन के मक्सी रोड पर एमपीबी के ऑफिस पहुंचकर नाराजगी जाहिर कर किसान और किसान संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्या के निराकरण की मांग की है। उज्जैन के मक्सी रोड पर एमपीबी के ऑफिस पर बड़ी संख्या में किसान संगठन के पदाधिकारी और किसान पहुंचे, जहां पर पहुंचकर संगठन के पदाधिकारियों ने पहले नाराजगी जाहिर की और फिर वर्तमान समय में किसान कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, उन समस्याओं का निराकरण करने की मांग एमपीबी के अधिकारियों से की। समस्या का निराकरण जल्दी करें, उनकी सुनवाई नहीं की तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन धरने दिए जाएंगे और घेराव किया जाएगा। साथ ही भोपाल पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भी शिकायत कर समस्या से अवगत कराया जाएगा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए, आज का ज्ञापन किन किन विषयों को लेकर दिया गया था और क्या रहा? आज का ज्ञापन सम्माननीय एसी महोदय को दिया गया है, जो मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी है। ये इनकी मनमानी, मतलब 5 HP के कनेक्शन, जो स्थायी कनेक्शन है किसानों को, उनको बढ़ा के 6 और 7 HP के कर दिए गए बिल में, और उनकी वसूली सख्ती से की जा रही है। अगर वो किसान पैसा भरने में सक्षम नहीं है तो उसकी मोटरसाइकिल, टीवी, जो भी घर में सामान मिलता है वो सब उठा के ले आते हैं। उसके बाद ऐसा का ऐसा ही प्रकरण इनका घरेलू उसमें भी चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना काल के पहले जो व्यवस्था थी, टाइम टू टाइम रीडिंग लेते थे, इस बार रीडिंग भी नहीं ले रहे हैं, और आंकलित खपत के नाम पे अनाप शनाप बिल, मतलब 1500 से लगा के 3000 रुपये पर मंथ का बिल ये किसानों के घर के पकड़ा रहे हैं, और कोई किसान नहीं भरता है तो उसके सामान जब्ती करते हैं ये। उसके बाद जो मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि जो किसानों का स्थायी कनेक्शन है ट्यूबवेल का, उसकी जो सब्सिडी अभी वर्तमान तक विद्युत मंडल के खाते में आ रही थी, अब वो उनकी ऐसी मंशा है कि वो सब्सिडी किसानों के खाते में डाली जाए और किसान फिर विद्युत मंडल को प्रदान करे। और हम इस नीति का विरोध कर, भारतीय किसान संघ इस नीति का और किसान इस नीति का विरोध करता है, वो व्यवस्था पुरानी यथावत लागू की जाए। भाई साहब, आज किस प्रकार से कोठी कार्यालय पर यह ज्ञापन सौंपा गया है और क्या समस्या थी और किस प्रकार से क्या है? भारतीय किसान संघ के माध्यम से हमने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, जो अभी वर्तमान में गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं में धुंध या पाले के कारण, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण जो गेहूं का उत्पादन जो घटा है, घट के आधा ही रह गया है, वो अब काटने पर मालूम पड़ रहा है। तो उसके लिए अब कटाई तो शुरू हो चुकी है, ना तो सर्वे हो सकता है अब उसमें, यथावत को आधार मानकर बीमा राशि दी जाए, राहत राशि दी जाए। इस विषय को लेकर भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया। एक यह है कि अभी किसान जो दूध उत्पादक किसान हैं, इनकी लागत भी नहीं निकल रही है इसमें, खली पशु आहार चारे का इतनी वृद्धि हुई है मूल्य में कि किसान उसका अपने पशुओं का भरण पोषण भी उसमें कर नहीं पा रहा है। उसमें दूध में भी दूध के भाव बढ़ाने को लेकर भारतीय किसान संघ ज्ञापन दिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।